नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कनिका। पुलवामा अटैक के बाद पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल था। हर कोई इस अटैक के बाद बदले की कार्रवाई की मांग केंद्र सरकार से कर रहा था। इस बीच मंगलवार सुबह सुबह बड़ी खबर सामने आई कि भारतीय वायुसेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए। इस खबर के आने के बाद देश के लोगों में सुकून और जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। यूपी के मुरादाबाद में लोगों ने सेना की कार्रवाई का जश्न मनाया, साथ ही सरकार से ये मांग की है कि आतंक के खिलाफ ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। वहीं पूरा देश सरकार और सेना के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेते हुए पीओके में घुसकर कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। यूपी के बिजनौर में बेरोजगारी का दंश झेल रहे उम्र दराज दुष्यंत ने महज 200 रुपए की खाकी वर्दी खरीद कर लोगों पर रौब दिखाकर अवैध धन उगाही का ही कारोबार शुरू कर दिया। आखिरकार नकली इंस्पेक्टर को असली पुलिस ने गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा यह है उम्र दराज दुष्यंत, जो कारोबार के लिहाज से पूरी तरह टूट गया था, जिसे लेकर कुछ दिन पहले बाजार से पुरानी खाकी वर्दी खरीद कर बकायदा वर्दी में 3 स्टार भी लगा लिए। उसके बाद सड़क पर खड़े होकर वाहनों से अवैध उगाही करने में जुटा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने फर्जी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और इसके पास से उगाही की हुई राशि भी बरामद हुई है। क्या नाम है आपका? दुष्यंत कुमार। अच्छा, इससे पहले कहाँ काम करते थे? फुलसंदे में कहाँ काम करते थे? फुलसंदे आश्रम है ना, उसमें था। किसका आश्रम है? उनका परमेश्वर है ना। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर है महाराज, बाबा फुलसंदे वाले। तो इंस्पेक्टर पकड़ा गया जिसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और लोगों से अवैध वसूली का आरोप। थाना धामपुर में जो हमारे इंस्पेक्टर धामपुर है, उनको सूचना मिली कि एक आदमी वर्दी पहने जो 3 स्टार लगाए हुए है, वो RSM डिग्री कॉलेज धामपुर रोड पे जो है वहाँ वसूली कर रहा है। इस पर वो लोग तत्काल वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो पता चला, एक दुष्यंत कुमार का नाम का आदमी पुलिस की वर्दी में वो वसूली कर रहा था, उसको तत्काल पुलिस ने केस में लेकर और आवश्यक कार्रवाई की। कुछ राशि वगैरह बरामद हुई अवैध वसूली? हाँ, उसके पास कुछ रुपये भी बरामद हुए और बाकी चीज़ जाँच की जा रही है कि कौन है ये, जो अभी तक नाम उसका दुष्यंत कुमार उसने बताया। अच्छा, कुछ कब से कर रहा था ये इस तरह का जो वर्दी लगा के जो अवैध वसूली? उसने बताया कि कभी कभी उसको पैसे की जरूरत होती थी तब वो इस तरह के काम कर लिया करता था, लेकिन चूंकि सूचना मिली तो इंस्पेक्टर धामपुर ने तत्काल कार्रवाई की और उसे अपने गिरफ्त में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। अगली खबर करनाल से, जहाँ इंद्री में मामूली कहासुनी के चलते एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। SFL की टीम ने मौके पर पहुंचकर तथ्य जुटाए और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेज दिया। लव है, सन ऑफ सतपाल है, सौरगिर। इसका इसने करण को जिसकी डेथ हुई है उसके सर में ईंट मारी, एक ही चोट है, और इसके जो सिर में ईंट लगने से फिर इसके परिवार वाले इसको इंद्री हॉस्पिटल में ले गए। इंद्री में डॉक्टर साहब ने इसको रेफर कर दिया कल्पना चावला के लिए करनाल। जब ये रास्ता में जा रहे थे जैनपुर के पास, फिर इसकी डेथ बता रहे होगी, उसको फिर ये हॉस्पिटल ले गए करनाल, एक दो जगह और ले गए, फिर ये वापस अपने घर ले आए। हमने तो करीब 800-808 बजे सूचना मिली, मुकदमा दर्ज कर दिया जिसमें 302 का। लड़ाई के तो ये आपस में चाचा ताऊ के हैं, नज़दीक मकान है। ये जो हमलावर है, जो ये लड़का है लव, ये शराब पी रहा था, ये गाली गलौच कर रहा था। इसके करण के फादर ने इसको ये कह दिया कि भाई इसको काफ़ी गाली क्यों दे रहा है। इस पर इसने लव ने, जैसे करण का फादर है पाला राम, उसको लात लूत मारी। फिर इसका लड़का करण भी आ गया तो इसने ईंट उठा के मारने शुरू कर। आरोपी सारा परिवार ही रात को भाग गया। फसल की टीम आई है, मौका मुआयना करगी। डेड बॉडी हमने करनाल भेज दी सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए।
बलबीर। क्या मामला है? रात लड़ाई हो रही थी। अच्छा जी, तबाही हो रही थी और पीछे से ईंट मार के उसके सिर में। अच्छा, बस ये बात थी। और किस वजह से हुई लड़ाई? वो उन्होंने नशे रखे थे छोकरे ने। अच्छा, ज्यादा नशा कर रखा था पूरा सारी रात लड़ता रही। और रात 10 बजे स्टार्ट होया था, 2:30 बजे तक लड़ता रही। यूपी के मेरठ में पुराने मामले को लेकर आमने सामने बैठकर समझौते करने के दौरान दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। पहले मारपीट और फिर एक दूसरे पर फायरिंग की गई। इस दौरान दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कितने लोगों को लगी गोली? भैया किसकी लगी है उसको, दूसरे को भी पता नहीं कहा। इसमें दो पक्ष हैं, शाहरुख और महराज। ये दोनों अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनको किसी बात के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ था। आज गली नंबर 18 में बैठे थे, इसमें फायरिंग हुई जिसमें शाहरुख और दिल साहब को गोली लगी है और हम लोग इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए हैं, आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें कितने आरोपी बताए जा रहे हैं और कितने लोग घायल हैं? अभी तक इसमें 2 लोग घायल हैं, एक तीसरा जो अभियुक्त है वो भी अपने आप को घायल बता रहा है। तो इसमें एक की उसकी गिरफ्तारी हुई है और शेष 2 नाम और बता रहे हैं, उनके हम दबिश देखें शीघ्र गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई करें। अभी तक तो उसकी माँ ही बता रही कि इनका जो एक दिलसाद जो घायल है, इनका और जो महराज के किसी बात के लड़ाई झगड़ा हुआ था तो उसमें आपस में लोग बैठे थे, उसी में कहीं फायरिंग वायरिंग हुई है। तो उसमें मुख्य अभियुक्त को हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए मोगा के जैमल सिंह के परिवार में 12 दिन बाद थोड़ी सी खुशी लौटी है। इसका कारण बनी है भारतीय वायुसेना, जिसके मिराज 2000 बम वर्षक विमान ने सुबह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर 1000 किलो बम गिराए और आतंकियों के 3 बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया। इस सूचना पर शहीद जैमल सिंह के घर खुशी का माहौल है। इस खुशी में जहां परिवार के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई है तो उन्होंने प्रधानमंत्री और भारतीय वायुसेना को धन्यवाद दिया है। जी जी, 14 फरवरी को जो पाकिस्तान ने कारना हमला किया था, हमारे 45 जवान शहीद हो गए थे। आज मोदी सरकार ने उसको जवाब दिया है, पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकवादी मरे हैं, क्या कहोगे? आज सर आज दिल को सुकून है, जो मोदी सरकार ने पलटवार किया है। आज 45 जवानों की रूह को सुकून आया है, आज उनकी रूह परमात्मा के चरणों ना जुड़ी, नहीं तो उनकी रूह को सुकून नहीं आना था। आज हमारी रूह को भी सुकून आया कि हम एक हफ्ते से बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे जवानों के साथ ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, लेकिन जो मोदी सरकार ने फैसला लिया मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा कर दी। और आने वाले और भी ऐसे कई वार किए जान जो पाकिस्तान सरकार को हिला के रख दे, आने वाली उनकी कई पीढ़ियों तक वो कभी सोच भी ना साए कि हिंदुस्तान के लिए कोई पिठ पीछे वार करने के लिए उनका बच्चा भी सोच पाए, ऐसे अब कोई सोच भी ना दिमाग चाह पाए। ये 14 जनवरी का जो वास्ता हुआ है कभी भी इस तो आगे यो जी सोच उन्होंने दिमाग च कभी हो ही नहीं सकता। तो लगता है कि 45 जवानों की आत्मा को शांति मिली होगी? हाँ जी, 45 जो जवान है उनकी आत्मा को आज ही शांति मिली है, क्योंकि 45 जवान जो से वो पूरे उन्होंने जो हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है उनकी कुर्बानी को आज की वो जगह मिली है, जो उनके उन्होंने कुर्बानी दी है आज हिंदुस्तान में उनका नाम और भी ऊँचा होया कि उनके नाम के नाल जोड़ के जो मोदी सरकार ने कदम लिया है वो कुर्बानी देने की वजह नहीं कर्म लिया कदम लिया। 14 तारीख में हमला होया सीगा जिदे विच तुहाडा बेटा भी शहीद होया सीगा और 45 जवान होर शहीद हो गए सी, अज पाकिस्तान ते बहुत वड्डा हमला होया और की कहना चाहोगे इस मौके? अज शहीदां 14 दिन हो गया शहीद होया नूं, यह मोदी का धावा किया जा जिन्हां नूं उन्हां 14 दिनां विच इन्ना वड्डा उन्होंने 300 आदमी ग्राम मारे हैं, इन्हें वैसा सब सुखना चाहिए अगर वास तो कोई यहोजा हमला ना करना, जे कदम ना उठाते तो उन्हें अगे वास्ते फिर कदम उठाने से। ये मोदी ने बहुत चंगा किया है कि जरा इन्हें कदम भारी उठाए हैं।
ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 45 ਜਵਾਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਜੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਜੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣ ਦਾ? ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਐਰਕਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 45 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਠ ਮਗਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰੂਹ ਭੜਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਭੜਕਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਭੜਕਦੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ 4 ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਤੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਘਰੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਕਦਮੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਹੈ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। यूपी के शामली में बिजली की चिंगारी से किसान के गन्ने के खेत में अचानक आग लग गई। अचानक लगी आग को देखकर आसपास खेत में काम कर रहे किसान खेत की तरफ दौड़ पड़े और आग बुझाने में लग गए। दरअसल मामला जलालाबाद क्षेत्र के जंगल का है, जहां पर किसान के खेत में अचानक से आग लग गई। आग लगने से किसान का काफी नुकसान हुआ है। और जो आग लगी खेत में कैसे हुआ नुकसान? भाई ऐसे ही हुआ, जो चिंगारी लग के एकदम आग लगी, इसमें डीक उभरती चली गई, इतना हम पत्ती हटाते रहे इतना सारे एक में फिर गई। तो कितना नुकसान होगा? 2 बीघे करीब एक होगा। कैसे बुझाई फिर? गोलों से ही बुझाई, बस लेबर आ गई आस पास की, इन्होंने बुझाई आग। सर, किसान के खेत में आग लगने की सूचना थी, क्या था पूरा वर्क? किसान जो है पता ही इसके खेत में पड़ी थी पत्ती, उसे जला रहे थे, जलाने में थोड़ी सी लापरवाही हो गई है, उससे बाकी खेत में आग लग गई। पुलिस को सूचना आई? पुलिस ने जो है फायर सर्विस को सूचना दी है, लेकिन पहले ही आग पर काबू पा लिया गया है। जो नुकसान हुआ है वो 2 बीघा जो करीब जो फूक गई है। भारतीय वायुसेना ने पुलवामा में मारे गए सैनिकों का बदला लेते हुए पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए। इस खबर के आने के साथ ही देश की जनता का खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
मूंढा बांधे में लोगों ने सेना की कार्रवाई का जश्न किया और मदरसों के बच्चों ने नेशनल हाईवे पर रैली निकालकर खुशी का इजहार किया। साथ ही भारतीय सैनिकों के लिए दुआ भी की। नौजवान और कश्मीरी जवान जो आर्मी के शहीद हुए, उनकी हमदर्दी में, उनकी मोहब्बत में बास बाने मदारिसों मसाजिद की जानिब से इस जुलूस का इनेकाद किया गया है और इसी ताल्लुक से ये सारे उलमा मुदर्रिसीन और अइम्मा उस गम में, उस मोहब्बत में शरीक हैं और ये हुकूमत हिंद से मुतालबा है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हमदर्दी, उनके ख़ानदान वालों की पूरी पूरी देखभाल की जाए। निकला है और अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब की सदारत में ये निकला है, जो मैनेजर हैं इस तंजीम के, और हमने इसमें जो है इसी बात को बताया है कि वहाँ जो पुलवामा में शहीद फौजियों पे हमला हुआ है उनको शहीद कर दिया गया, हम उसकी पुरजोर मुखालिफत करते हैं और साथ ही हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान से किसी भी किस्म का कोई लेन देन ना करे और उससे किसी भी मामले पे जो है वो जो है बात ना करे। और हम ये बता देना चाहते हैं अपने मीडिया भाइयों को कि हिंदुस्तान का मुसलमान वो है जो कल भी अपने वतन से मोहब्बत करता था, आज भी करता है और जब तक जिंदा रहेगा अपने वतन से मोहब्बत करता रहेगा। साजिद के बैनर के तले एक उन फौजी भाइयों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए और ख़ासकर उनके परिवार वालों के दुख दर्द में हम शरीक हैं और हुब्बुल वतनी का सबूत पेश किया मूंढा पाड़ने बिलाग के सारे अवाम और खवास ने। और ये मैसेज देना और पैगाम देना चाहते हैं कि अगर इस तरह के हादसे और इस तरह के दहशतगर्दी के हादसे होते रहे तो ये मुल्क की तबाही बर्बादी बढ़ती रहेगी। इसलिए हम सबसे गुजारिश करते हैं कि चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू भाई हो, सारे लोग एकजुट होकर दहशतगर्दी के खिलाफ रहें। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में हमला किया गया, जिसके बाद शामली के शहीद जवान के परिजनों ने इस हमले को लेकर कहा कि वो इस हमले से संतुष्ट नहीं है क्योंकि पाक एलओसी पर हुए हमले में किसी भी आतंकी के मरने की खबर या फोटो उनके सामने नहीं आई है और ना ही आतंकवादियों की डेड बॉडी मिली है, जिससे साफ जाहिर है कि हमला हुआ है लेकिन जान की हानि की खबर नहीं मिली है। प्रदीप शहीद के परिजनों की मांग है कि जिस तरह से भारत के शहीद जवानों के वीडियो दिखाए गए थे उसी तरह से दुश्मनों का भी खात्मा किया जाए और वीडियो प्रस्तुत की जाए। वहीं जब हमने शहीद अमित कौरी के परिजनों से बात की तो अमित कौरी के पिता सोहन लाल व माता उर्मिला इस हमले से संतुष्ट नजर आए और पीएम नरेंद्र मोदी से आगे भी इसी तरह की कार्यवाही करने की मांग की है। पुलवामा हमले में आपके फादर भी शहीद हुए थे, देर रात जो है भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया है, क्या मानते हैं? मैं उस कार्रवाई से सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि अभी कुछ भी क्लियरली फोटोज सामने आए हैं जो उनके पाकिस्तानी जनरल है, उन्होंने ट्वीट किया है कि कोई भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, लाइफ किसी की डेथ नहीं हुई है। तो हमारे आंकड़े तो बता रहे हैं कि 300-400 आतंकी गए हैं, पर हमें क्लियरली सब कुछ पता तो नहीं चल रहा है ना। हमें भी उनकी इमेजेस चाहिए कि हाँ वो मरे हैं, आतंकियों को मरा हुआ देखना है हमें। क्या मांगे आपकी सरकार से? कि जो रिवेंज हो वो ऐसा हो कि सब देखें और सब यकीन करें उस पर, इमेजेस बिल्कुल सामने आनी चाहिए जैसे इस हमले की आई थी, उन्हें भी वैसी डेथ चाहिए जैसी हमारे सोल्जर्स की हुई है। तो जो खबरें हैं जो बताई जा रही हैं क्या झूठ हैं? देखिए झूठ भी नहीं कह सकते, पर अगर वो दिखाना चाहेंगे पूरी न्यूज़ अगर सामने आए बाद में आए, पर ये तो आए कि हाँ वो उनकी डेथ हुई है, सब कुछ अभी सिर्फ आंकड़े हैं, क्लियरली कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने झूठ नहीं कहा, पाकिस्तान ने एक वीडियो भी जारी किया है कि वायुसेना आई थी भारत के यहाँ पे, तो उसमें जो वहाँ पे बॉम्ब गिराते हुए दिखाया था वो प्लेस बिल्कुल खाली था, वो मैंने भी देख लिया, तो वहाँ पर प्लेस में कोई जहाँ पे डेड बॉडीज तो नहीं थी, तो प्लेस बिल्कुल एक तरह से एम्प्टी थी। तो ये भी हो सकता है उन्होंने हटाई हो, पर कुछ तो इमेजेस सामने आने चाहिए, कुछ तो प्रूफ हो। ओके, वो तो घर उनके पहले ही खाली करा दिए थे, वो तो एक ऐसा उन्होंने बना दिया जैसे एक ट्रेनिंग सेंटर हो जैसे वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो। घर तो पहले ही खाली हो चुका था, वहाँ देखो वहाँ से काश भी 40 घर तो खाली कराए गए वहाँ से।
तो एक तरीके से क्या ढोंग मान रहे हैं आप इसको? जब अभी तक कोई सामने से अभी खबर ही नहीं आतंकवादी मरने की आई, तो ये तो अभी झूठ सा ही लग रहा है। कम से कम हमारे इतने जवान शहीद हुए हैं, कम से कम उनके आधे तो कुछ तो मिलता या कुछ तो सुनने को मिलता या उनकी डेड बॉडी देखने को मिलती। हमारे जवान बहुत शहीद हुए हैं। वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की खबर सुनने के बाद जहां पूरे देश में खुशी का माहौल है, वहीं कौशाम्बी जिले में भी लोगों ने जश्न मनाया। खुशी से लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर झंडा लहराया और मार्च निकाला और डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया। पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनका तो बदला लेना ही था। एक एक बहु बेटियों की घर उजड़ गया है तो उनका बहुत जरूर था। आज जो सुबह खबर आई है, हम भारतीय हर एक हर हर से के दिल में इतनी खुशी की उमंग आ गई कि क्या बताएं। अब ऐसा करना चाहिए क्योंकि मोदी जी सरकार है तो वो तो जरूरी है। और मोदी सरकार में जो ये 200 लोगों को आतंकवादी मारे गए, ये हर भारतीय के लिए खुशी का मतलब बहुत ही खुशी का मौका है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पुलवामा में हुए आतंकी हमले से आहत जनता लगातार पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग कर रही थी, जिसके बाद आज सुबह भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की और आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत के पाकिस्तान पर इस कार्रवाई के बाद देश की जनता जश्न मना रही है। यूपी के सिद्धार्थनगर में भी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है और वो प्रधानमंत्री और भारतीय सैनिकों को बधाई दे रहे हैं। सैनिकों के तैनाती पर पूरे भारत को इतना जबरदस्त जो गिफ्ट दिया है तिरंगे, और सही माने में आज पूरे 125 करोड़ की जनता की तरफ से आज श्रद्धांजलि हमारे सैनिकों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान को दिया। 14 फरवरी के दिन पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ने हमारे जो अर्धसैनिक बलों के ऊपर कायराना हमला किया। उस हमले के विरोध में हम लोगों ने, अभी आपने देखा बेटा, हमने क्या नाम है आक्रोश रैली भी निकाली थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो ये साहसिक निर्णय रहा कि रात को 3:30 बजे 12 विमानों द्वारा जितना उन्होंने हमारे सैनिकों पर 200 किलोग्राम आरडीएक्स के साथ उन्होंने हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया था, लेकिन हमारे आज प्रधानमंत्री महोदय ने जो आज 1000 किलो का बारूद उनके पाकिस्तान वालों को वापस किया है, उसी की खुशी हम मना रहे हैं। और क्योंकि आज हमारे शहीद जवानों की 13वीं है और उस 13वीं की असली श्रद्धांजलि हम आज मना रहे हैं।